हाँ जी, स्टार्ट करें मीडियन से। हाउ थस हाँ मीडियन, व्हाट जी, डू मीन बाय मीडियन? मीडियन, MEDIAN, मतलब मिडिल वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी। बोलो मेरे साथ, मिडिल वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी। यस, तो फ्रीक्वेंसी की जो सबसे बीच वाली वैल्यू होती है उसी को हम मीडियन बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये एक लाइन है, तो अराउंड ये है जी उसकी मिड वैल्यू, तो दिस इज मीडियन। ठीक है, तो मीडियन निकालने के दो तरीके। अब मीडियन के अंदर हम लोग को बहुत सारी चीज सीखनी है, पार्टीशन वैल्यू सीखनी है, वी हैव टू डिस्कस क्वार्टाइल परसेंटाइल, जैसे तुम लोग को बताया डिसाइल है ना, 10 परसेंटाइल में 100 और इसमें क्वार्टाइल में 4। ठीक है, तो इसको भी हम लोग कहाँ कहाँ निकालेंगे बताओ, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज। बट यहाँ पर एक चीज अच्छा है, डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड, स्टैंडर्ड डिवीजन मेथड जैसा कुछ भी नहीं है। तो वी हैव टू कैलकुलेट मीडियन फॉर इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, फॉर्मूला सेक्शन में लिखना नहीं है सब, कंटिन्यूअस सीरीज, तीनों के लिए सीखना है। बोलो समझ में आया? तो बात करते हैं इंडिविजुअल सीरीज के बारे में। ऑड नंबर सीरीज, इवन नंबर सीरीज, ठीक है, लिख रहे हो साथ साथ में? अभी मत लिखो, नहीं लिखोगे तो खैर लिखने वाला बात तो है, समझा कुछ नहीं रहो, लिखवाई चलो तो लिख लो साथ साथ में। तो सबसे पहला काम, एक मिनट, सबसे पहला काम, अरेंज द सीरीज इन असेंडिंग ऑब्लिक डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले आपको सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पे जमाना है। सेम, फर्स्ट वाला स्टेप दोनों में सेम है। सेकंड स्टेप, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ एन प्लस वन बाय टू टर्म, सेम। तो इतना हो जाए तो बताना। भैया थोड़ा ऊपर करो ना। अभी नीचे करो। यहां पर थर्ड स्टेप लिखो, ये वाला खत्म ना, ये वाले हो में थर्ड गया। स्टेप लिखो। नाउ मीडियन विल बी द एवरेज ऑफ द वैल्यूज ऑफ टू आइटम्स। ठीक है, बोलो रे, बोलो रे। हाँ, अरे एक भाई अपना रेबेल विनीत, ठीक है विनीत भाई, उनको डाउट है लॉक कैसे निकालते हैं। आई थिंक कनु बस समझा पाएगी लॉक कैसे भैया निकालते हैं नंबर का। यू तुम्हें एक्सप्लेन, वन ऑफ दो सब्सक्राइबर्स
सब्सक्राइबर है यूट्यूब चैनल में। हाँ वो सेक्शन सी वाला विनीत नहीं, सेक्शन सी वाला विनीत नहीं, रेबल जानती विनीत। उसे जानती हाँ नहीं, वो नहीं जानती भाई, रेबल विनीत अपने, उनको लॉक अच्छा टेबल कैसे, तो लॉक टेबल कैसे देखते हैं जानना है, तो अनु पहले बता। ने एक्सप्लेन बेटर, तो इसीलिए एग्जाम्पल हाँ वही मेरे को ले लगा लेते वो हैं सेक्शन सी वाला वो और मैं फिर समझाना। जानती 1.2391, 2.8623, नहीं 2 डिजिट लेंगे, 24.568.1926, तीनों एक एक बताओगे। अब डिसाइड कर लो कौन सा कौन सा कौन बताएगा, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, लास्ट वाला कनु का ठीक, और प्रिया, तो ये मोना का। चल मोना बता सबसे पहले, तू बोलते जा, मैं लास्ट लॉक वाला टेबल शो करते रहूंगा तेरे को, स्टेप बाय स्टेप बताते जा कैसे लॉक देखूं। सेकंड मैं फर्स्ट मेरा बोली थी भाई। हाँ, बोलते जा तू, मैं देखते जाऊंगा लॉक टेबल तेरे बिहाफ में, कैसे सॉल्व करूं, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ बता। 12 का 12 का 3 का 9, उसके पहले भी कुछ करूं, कैरेक्टरिस्टिक्स, अमैया ट्वेल्थ का 3 और 9 हाँ है ना। मतलब हाँ 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 12 और हाँ पॉइंट के पहले एक डिजिट है तो n माइनस 1 ट्वेल्व लगाएंगे तो का फॉर्मूला n थ्री देखेंगे और फिर हमारा 9 मीन वन डिफरेंस ही देखेंगे, डिजिट है। मतलब शुरू के 2 नंबर 1 का माइनस देखते 1 हैं जीरो हो और फिर जाएगा उसके बाद तो देन उसके 0 अंदर का पॉइंट देखते हैं थ्री और फिर 12 नाइन, का ऐसे थर्ड देखते हैं देखेंगे लॉक टेबल और चलता है, 9 हम लोग मेन 9 का डिफरेंस से स्क्वायर देखेंगे। देखते हैं। ये रहा 12 का 3 देखेंगे फिर उसका 9 देखेंगे, ये रहा 9 ठीक है, 12 का 3 का 9, तो 0899 और 31, 0899 प्लस, ये दोनों को प्लस कर देंगे आपस में, तो ये हुआ 0930, ये निकल गया लॉग। नेक्स्ट प्रिया हाँ योर टर्न। हाँ हाँ तो 1 पॉइंट, हाँ हाँ एन ट्वेंटी माइनस फोर का वन एट तो का सिक्स यहाँ हम लोग का देखेंगे एन कि टू फोर्टी डिजिट एट का है सिक्स का टू तो देखेंगे। फिर 2 माइनस 1 1 आएगा फिर हाँ ट्वेंटी फोर का एट का हाँ सिक्स फिर देखेंगे, तो कहाँ है फोर्टी ट्वेंटी एट का फोर, सिक्स ये रहा देखेंगे ट्वेंटी फोर सिक्स का का 2 देखेंगे एट और फिर उसका देखेंगे सिक्स। हाँ तो ट्वेंटी थ्री नाइन फोर फोर का एट फाइव का और सिक्स इलेवन सॉरी सॉरी कितना हुआ, 3945 प्लस 11 65, तो ये हुआ एट थ्री प्लस नाइन सिक्स फाइव सिक्स ठीक है। फिर 11 उसके बाद लास्ट कनु, फिर से बोल, अभी तेरा नेटवर्क वापस आया है, से बोल अभी तक नेटवर्क वापस आया। हाँ अभी आया, तो -1 के अकॉर्डिंग जाएगा -2 तो वो जाएगा 2 पॉइंट फिर उसके बाद पॉइंट के बाद वाला जो नंबर था वो अभी हाँ पॉइंट के पहले 3 डिजिट है, तो है 3 डिजिट है तो एन जो है 3 है, तो 3 माइनस 1 2 लेंगे, तो टू पॉइंट के पॉइंट फिर पहले उसके वाले बाद। कैरेक्टर बोलते हैं वो निकालने के लिए पहले को -1 करना पड़ेगा जो होगा 3 माइनस 1 हाँ 56 का 8 का 1, यस 56 का के नंबर 8 को हम लोग मेंडीजा का बोलते हैं 1, तो वो निकालने के लिए हम लोग सेवन देखेंगे फाइव फोर 56 थ्री का 8 का 1 लॉक टेबल में सेवन फाइव फोर फोर हो जाएगा, 7544, तो ऐसे हम लोग निकालते हैं लॉक टेबल। भाई रेबेल विनीत समझ में आ गया होगा आपको, का बहुत ज़्यादा 8 हेल्प हुई है आपकी इधर, सेवन है ना, फोर तो ऐसे नहीं आप सेवन निकाल सकते फाइव हैं लॉक फोर टेबल। थ्री चलो ठीक प्लस है। वन ये हाँ हो तो हम जाएगा लोग बात कर रहे थे सेवन मीडियन फाइव की, तो
मीडियन में दो तरीके के तुमको सीरीज देखने को मिल सकते हैं, इट मे बी ऑड, इट मे बी हो गया इवन, मेंटी। ठीक है। हाँ उससे हमको देखना नहीं है, हाँ हमको सबसे पहले सीरीज को असेंडिंग या डिसेंडिंग में जमाना है, उसके बाद हमको एन प्लस वन बाय टू टर्म ऐसे करके हमको निकालना है, और फिर उसके बाद हम लोगों को चेक करना है कि अगर ऑड सीरीज है तो आंसर आ जाएगा, पर इवन सीरीज है तो मीडियन विल बी द एवरेज ऑफ द वैल्यूज ऑफ द टू आइटम्स। ये क्या हुआ ये मैं समझाता हूँ क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो पहले सिंपल ऑड वाले का एग्जांपल लेता हूँ, वो डायरेक्ट आ जाता है। देखो जैसे क्वेश्चन है, मार्क्स 40, 42, 50, 55, 60। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे, तो क्या ये क्वेश्चन ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में ही जमा हुआ है? हाँ। तो मीडियन क्या होता है? साइज ऑफ एन प्लस वन बाय टू आइटम। तो साइज ऑफ एन प्लस वन, व्हाट इज एन, व्हाट हाँ हाँ भैया इज एन, बोलोगे? एन क्या है, एन कितना है, मतलब 5, 5। हाँ, 5 प्लस 1 बाय 2 आइटम यानी 6 बाय 2 थर्ड आइटम। तो सिक्स थर्ड सर आइटम कौन सा है फाइव गिनो, 1, 2, 3। 50 है मीडियन, समझ में आया? हाँ। तो ये था, तो ये किसकी बात कर दिया मैं, ऑड सीरीज, इवन सीरीज लेता हूँ। 40, 50। 60 55, 60, ये इवेंट सीरीज ले हाँ लिया। भैया तो बताओ एन कितना हाँ है, भैया एन सर तो 6th आइटम, सॉरी 6 प्लस 1 बाय 2 आइटम, तो ये हुआ 7 बाय 2, 3.5 का सिक्स आइटम। अब मेरे को एक बात बताओ, इस सीरीज में 3.5 है क्या? 1, 2, 3, नहीं 4, 5, 6 पॉइंट पे तो है ही नहीं। तो तुमको क्या करना है, थर्ड वाले को और फोर्थ वाले को लेके उसका एवरेज निकाल देना है। तो 50 प्लस 55 अपॉन 2 ऐसे करना है, कितना आ रहा है बताओ? नहीं कितना आया, 2.5। ये आंसर समझ में आया? जब ऑड रहेगी सीरीज तो क्या करना है, बोलो। बोलो हाँ गुलाब भैया जामुनो, यस। चलो अब लिखते हैं 52.5 तुम्हारी पॉइंट फाइव क्वेश्चंस हम स्क्रीन पर, करते जाओ करते जाओ। हाँ भैया पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ये 1, 2, 3, 4, चार क्वेश्चन करो, हमारा इंडिविजुअल सीरीज मान लिया जाएगा, खत्म हो गया। तब अब तुमको बनता है, और कुछ होमवर्क क्वेश्चन ले लेना। और क्वेश्चन ग्रुप दे दूंगा, सारे कहाँ लिखूं? बोलो आंसर, बोलो।
हो गया भैया।75 है, हाँ फर्स्ट वाले का थ्री सिक्स सेवेंटी फाइव सेकेंड ट्वेंटी का यही है क्या? 490। क्या है तो फिफ्थ टर्म है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, 375 सॉरी। 60 टर्म है ना, तो एट्थ हाँ टर्म, फोर्थ टर्म आंसर आएगा। फोर्थ 490, टर्म तो 490 है। 470, नाइस। थ्री सेवेंटी फाइव 7 + 1 थ्री डिवाइडेड बाय पॉइंट फाइव टू कितना टर्म है? 1 2 3 4 5 6 7। है ना। हाँ नेक्स्ट बताओ। कहाँ से फोर, कहाँ से यार 3.5 आएगा ना? 7 डिवाइडेड बाय 2, थ्री ना पॉइंट फाइव 15, यस 15 आया तुम लोग का होना ओ हाँ, का। फिफ्टीन और लास्ट का फिफ्टीन ना, फोर हाँ 80 क्या उसका आवाज इतना धीरे आता है श्रेया का? हाँ भैया 481 नहीं है। और कोई फोर आंसर? एटी वन फोर एटी वन और बाकी तो ना तुम निकाले नहीं हो क्या? होना कितना है आंसर इसका? 481 हाँ 240.5। ठीक है समझ में आया। हाँ चलो नेक्स्ट। टू फोर्टी अब चले जाओ फिर फोर्टी से फॉर्मूला पॉइंट फाइव सेक्शन में, और पॉइंट डिस्क्रीट पूछा सीरीज के रहा है। ऊपर करते हैं। हाँ 240.5। होमवर्क क्वेश्चन भेज दूंगा मैं, कर लेना। चलो हाँ डिस्क्रीट का लिखो। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप वन, अरेंज इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कैलकुलेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। एम ई इज इक्वल टू साइज ऑफ 10 + 1 बाय टू टर्म। हो गया। तुम करने हमको नहीं, लिख लिए ये वाला कार्यक्रम कि सबसे पहले डिस्क्रीट सीरीज में आपको अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग में, फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना है, और फिर मीन का मीडियन का फॉर्मूला है साइज ऑफ n+1 बाय टू टर्म। क्वेश्चन करके दिखाऊं कैसे करते हैं। ये देखो एक्स दिया एक्स, ये देखो जमा के दिया है असेंडिंग ऑर्डर में। हाँ अच्छा बाई चांस असेंडिंग ऑर्डर में नहीं होता, उल्टा पुल्टा होता, तो ये याद रखना जब एक्स को ऊपर नीचे करोगे तो उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी को भी ऊपर नीचे कर देना ना उसके बराबरी से। ठीक है हाँ। जैसे मान लो यहाँ पर 5 होता है यहाँ पर 3 होता, तो जब 5 को नीचे लाते ना तो 5 के सामने 3 रहता तो उसको भी नीचे लाते, और 3 के सामने जो 2 है उसको उसके साथ ऊपर भेज देते, तो फ्रीक्वेंसी को भी साइमल्टेनियसली तुम एक्स को जिधर जिधर ले जाओगे उसके साथ वाली फ्रीक्वेंसी क्या, ये दोनों जोड़ा है भैया, तो ये ऊपर जाएगा तो ये उसके साथ नीचे ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा तो उसके साथ नीचे आ जाएगा, तो ये चीज ध्यान में रखना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब होता है फ्रीक्वेंसी का टोटल करना एक एक करके, तो ये हुआ 2, ये हुआ 3, 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 7 13, 13 + 4 17। ऐसे निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कि तुमको पहले इसको कर लेना है ऐसे,
फिर 2 + 1 3 कर देना है, फिर 3 + 3 6 कर देना है, फिर 6 + 7 13 कर देना है, फिर 13 + 4 17 कर देना, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। बोलो आई क्या बात समझ में? हाँ, एन किसको बोलते हैं? एन टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी को एन बोलते हैं, है ना। पर यहाँ पर तो 17 आ ही गया, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी करके देख लो 17 आएगा, तो सीधा 17 उठा लो। तो मीडियन इज इक्वल टू 17 + 1/2 था आइटम, तो ये कितना आएगा? 9 आएगा, 9। हाँ, तो अब ये देखो 9 कौन सी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर में आ रहा है, मतलब देखो 9 किस दो लोगों के बीच में आ रहा है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी दो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के बीच में आ रहा है 9। हाँ, तो उसमें से जो बड़े वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसका एक्स आंसर है, बड़ी वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक्स आंसर होता है। समझ में आया? तो आंसर कितना हुआ? 6। ठीक है, क्लियर हुआ क्या बात? हाँ चलो, अब इसके भी कुछ क्वेश्चन देता हूँ, इसको करते जाओ सॉल्व। करो सॉल्व, टेल मी द आंसर। क्या क्या क्या? हाँ भैया, 30 और 12। हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, वेरी गुड। एकदम मजाक नहीं लग रहा मीडियन, रैप गेम है भाई ये, मजाक नहीं। कंटिन्यूअस सीरीज लिखो, 30 और सेकंड वाले का 12। देखो कंटिन्यूअस सीरीज, सबसे पहले क्या करोगे बताओ, पहला स्टेप बताओ, खुद ही बोलो तुम लोग, हाँ, फर्स्ट वाले का 30, सेकंड वाले का 12। बोलो। असेंडिंग ऑर्डर, हाँ जो तुम्हारा मन। फिर उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना, वो भी फ्रीक्वेंसी का यूज करके। फिर फाइंड मीडियन इक्वल टू, क्लास इंटरवल में से ना। अच्छा हाँ, पहले एन असेंडिंग बाय टू था आइटम, ऑर्डर, ये एन बाय टू था आइटम आएगा, तो असेंडिंग अप्लाई या फॉर्मूला। डिसेंडिंग? लिख लो, जरा तो बताइयो। चलो क्वेश्चन दिखाता हूँ एक दर्शन, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये हुआ एक्स। फ्रीक्वेंसी आपको दी है 3, 4, 2, 7, 9, हो गया तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले निकालेंगे 3, 3 + 4 7, 7 + 2 9, 9 + 7 9 10 16, 16 + 9 25। मेरे को बोला सबसे पहले मीडियन आइटम निकालो, तो मीडियन आइटम होता है एन बाय टू होता है ये,
एन प्लस वन बाय टू मत करना, ठीक है? बोलो हाँ। तो 25/2 ये कितना आ गया, 12.5। अब चेक करो 12.5 किसके अंदर, किसके बीच में आ रहा है, बताओ 12.5। चलो तुम बताओ 12.5। यस, तो ये वाला उठाएंगे। हाँ, तो मीडियन इज इक्वल टू L1। L1 मतलब ये वाला जो 16 फंसा ना, ये इसकी हाँ भैया, लोअर क्लास इंटरवल, लोअर क्लास इंटरवल यानी 30। L1 प्लस n/2, n/2 में निकाला हूँ 12.5 आया है, माइनस नाइन क्यूमुलेटिव और फ्रीक्वेंसी ना सिक्सटीन इसके पहले वाली लेते हैं, और सिक्सटीन वाला ये ले वाला जो लेंगे। फंसता है ना उसके पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं, उसके सामने वाली मत लेना, उसके सामने जो आई है उसके पहले वाली लेना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो माइनस CF अपॉन F, F उसके सामने वाला ले लेना, ये उसके सामने जो है F फ्रीक्वेंसी इंटू I। I मतलब होता है डिफरेंस ऑफ क्लास इंटरवल, जो क्लास इंटरवल फंसा उसके उसके बीच में डिफरेंस। तो 30 से 40 कितना डिफरेंस है, 10, 10 का डिफरेंस। तो हम करेंगे सॉल्व, तो हो जाएगा 30+। चलो इसको करो सॉल्व, फाइव आ रहा है, 35 आंसर है। बोलो समझ में क्लास आया? इंटरवल ठीक, होना कहाँ है? समझ में नहीं आ रहा है क्या? तो चलो कुछ, हाँ हाँ भैया, हाँ भैया, चलो इसको करो सॉल्व। है ना, है उसकी आवाज लेट आ रही है, इससे वो नहीं बोल रही है। आ रहा है 11वीं में, नहीं 10वीं, नहीं 11वीं में हम लोग बहुत बनाए हैं ये साथ में। तो करो सॉल्व। क्वेश्चन दिख रहा है? तो करो सॉल्व मीडियन। चलो आ गया आंसर, हाँ आपका ये एक हुआ मिनट, 44.90, ये वाला हुआ मेरा 94.5 आ रहा है। 24.58, ये वाला हुआ हाँ 23। ये सब इजी इजी है, तो तुम वन कर भी एट्टी ले रहे हो, नाइन कोई फर्क नहीं पड़ रहा मेरे को। टफ करोगे तब वन मजा नाइनटी आएगा। तो चलो थ्री हेडिंग एक मिनट डालो, मीडियन ओके इन केस ऑफ स्पेशल केसेस। ठीक है, स्पेशल केसेस मतलब वही आने वाला है फिर से, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन मोर देन, मिड वैल्यू दिया रहेगा, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव, ये सब आने वाला है। ठीक है, बोलो। सबसे पहले आते हैं क्यूमुलेटिव में, यानी लेस देन और मोर देन। क्वेश्चन लिखो, लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35, लेस देन हाँ 40। भैया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये तमाम 4, 20, 30, 5, 7, 5। चलो मेरे को सबसे पहले इसकी फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल बनाओ।
मेरे को बोलते जाओ क्लास इंटरवल ऑफ जीरो टू फ्रीक्वेंसी वन फाइव 0 to 5। गया ये रहा। 0 to 5। हाँ 0 to 5 हाँ मतलब 5 5 का डिफरेंस लेके चलना है ना। फ्रीक्वेंसी बताओ। फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी बोलो 4 10 - 4 5 to 10, 10 to है 15। ना। हाँ सिक्स सिक्स ऐसे निकलेगा फ्रीक्वेंसी। बन गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बन गया। क्लास इंटरवल दिया, फ्रीक्वेंसी दिया, फाइंड मीडियन। मीडियन निकालो। चलो अब जल्दी से निकाल के बताओ कितना आ रहा है। चलो देखो 24 आ पहले रहा है। फ्रीक्वेंसी निकाले फिर मीडियम निकाल दिए है ना। 24 आ गया आंसर। वेरी गुड। अच्छा स्पीड पता हाँ तो समझ में आया। 24। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वही गेम है यार जो हम लोग पहले खेल के हाँ आए हाँ है ना। ठीक बार बार खेलेंगे, 5 बार खेलेंगे और क्या। हाँ ये क्या क्वेश्चन है, क्या कुछ अलग दिया था क्या। चलो ये वाला क्वेश्चन करो इकली। ये वाला ग्रेटर देन 0 10 20 30 40 50 60 70। अब तुम लोग मार खाओगे अगर तुम लोग क्वेश्चन में ये गलती करके आए कि तुम इसको डिस्क्रीट सीरीज मान के सॉल्व कर दिए। क्योंकि यहाँ पर हो सकता है तुमको ऊपर में डायरेक्ट ग्रेटर देन लिख दे और नीचे 0 10 20 दिख दे। तो दिखने में ये सीरीज कौन सी दिख रही है, डिस्क्रीट, पर है कौन सी, क्यूमुलेटिव सीरीज जिसको हमको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा है ना। बोलो। हाँ तो ये गलती अगर एग्जाम में करके आए तो बेटा बहुत मार खाओ। इस ध्यान में रखना कि ऐसा हो सकता है तुम वहां एग्जाम देने गए हो प्रेशर के चक्कर में, देखे नहीं डिस्क्रीट सीरीज मान के धर 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 वहां इतना इजी क्वेश्चन आया मीडियम सॉल्व करके आ गए। ठीक है तो चलो इसको करो सॉल्व। हाँ 2 है ये, 2 ये 2 है। करो सॉल्व। ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 10 ग्रेटर देन 20 कैसा है। यस तो दिस आंसर इज 41.6। यू आर करेक्ट, एब्सोल्यूट करेक्ट गाइस। नाउ नेक्स्ट मिड पॉइंट दिया है तुमको। मिड पॉइंट 115 125 135 145 155 हाँ भैया, 165 मिल गया। 175 185 हाँ भैया, 195 मिड वैल्यू दिए हुए है। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 6 25 48 72 116 60 38 22 एंड 3। अब देखो यहाँ पर काम थोड़ा सा अलग रहेगा पहले से। मिड पॉइंट पहले हमको दिया रहता था पर हमको मीन निकालना रहता था तो हम डायरेक्ट मिड वैल्यू से मल्टीप्लाई करते थे फ्रीक्वेंसी को और निकालते थे। यहाँ वैसा नहीं चलेगा, हमको इस मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल निकालना पड़ेगा क्योंकि तो मीडियन निकालना है, मीडियन क्लास निकालना पड़ता है। और फ्रीक्वेंसी तो ऑफकोर्स सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज होगा। ठीक है तो मिड पॉइंट से क्लास इंटरवल कैसे निकाल सकता हूँ बताओ। हाउ आर सपोज टू फाइंड बताओ। ऐसी मतलब हाँ यही एग्जैक्टली। फॉर्मूला दिखाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ हाँ वही बोल रहा हूँ, फॉर्मूला दिखाने की जरूरत ही नहीं है। 110 120 120 130 130 140। हाँ नहीं कोई नहीं बोला फॉर्मूला दिखाने के लिए, नॉर्मल करो सॉल्व। ये इतना दिमाग तो दिया है भगवान हमको, देख के ये समझ में ऐसे आ ही रहा नहीं है कर किसके सकते, बीच का मिड फॉर्मूले से वैल्यू है। करना जरूरी है। डायरेक्ट करो सॉल्व। मतलब जैसे जो भी, जैसे कि हाँ
और बाई चांस ऐसा रहता कि तुमको जानना था कि अगर बुक क्या बोलता है, बुक थोड़ी 120 बोलता होगा, तुमको 130 देख के समझ में आ रहा है तो कर 140 लेना। हाँ बुक ऐसा बोलता है कि दो मिड पॉइंट के बीच का डिफरेंस कितना है, दो मिड पॉइंट के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 है, तो 10 को 2 से डिवाइड करो तो 5 आया। ये जो 5 आया ना, एक एक में 5 माइनस करो और 5 प्लस कर दो, तो जैसे 115 है, 115 में 5 माइनस करूँ तो 110 आता है, और 5 प्लस करूँ तो 120 आता है, और 125, 125 से 5 माइनस करूँ तो 120 आता है, और अगर 125 से 5 प्लस करूँ तो 130 आता है। तो एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, जब माइनस करोगे लोअर क्लास इंटरवल, जब प्लस करोगे अपर क्लास इंटरवल, बट यू हैव टू यूज दिमाग, क्योंकि उससे ज्यादा कंपेरेटिवली इजी है, दिख रहा है साफ साफ किसका मिड वैल्यू है वो। आंसर बोलो एक बार। 153.79। यस, ऐसे है, बोल दे एक बार, लिख देता हूँ। 150 प्लस भैया हो गया। अपॉन, हाँ ऐसे आया। हाँ, नेक्स्ट करने वाले हैं 153.79। इंक्लूसिव क्लास इंटरवल। इंक्लूसिव याद है, बताओ इंक्लूसिव क्या होता था, करके आए हैं 150 + 195 - अब याद आया 151 अपॉन 116 × 10। कि जो क्लास इंटरवल है वो टूटी हुई रहती है, उसको जोड़ना पड़ता है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, क्योंकि तो टूटा हुआ रहता है तो हमको जोड़ना पड़ता है। नहीं, हाँ नहीं है, फ्रीक्वेंसी है। हाँ, हाँ लो कैसे बताओ, इस टूटे हुए क्लास इंटरवल को जोड़ते कैसे। हाँ लोअर वाले में माइनस कर देंगे 0.5, अपर वाले में प्लस कर देंगे 0.5, ठीक दोनों को है। 5 प्लस हाँ, करेंगे डिवाइडेड बाय 2। पहले नहीं इसको असेंडिंग माइनस में जमा लो, फिफ्टी माइनस करेंगे। हाँ से 59, 60 से 69, 70, 79। डिवाइडेड बाय 2, लोअर में माइनस कर देंगे अपर में प्लस कर देंगे जो भी आएगा। असेंडिंग ऑर्डर पहले जमा लो, फिर लोअर वाले से 0.5 माइनस करना, अपर वाले से 0.5 प्लस करना, तो बन जाएगा सीरीज। फ्रीक्वेंसी कोई छेड़खानी नहीं, बस ऊपर नीचे करोगे तो फ्रीक्वेंसी भी साइड बाय साइड ऊपर नीचे करते रहना। बनेगा बताऊं, ठीक है करो, बताओ कैसे आया। लास्ट आइटम बताओ मेरे को डायरेक्ट, एम ई इज इक्वल टू, एटी 60 हाँ मेरा भी आ हाँ 84.08 होता है, जीरो एट ठीक। तो कितना आया फिर, 08। ठीक है, तो ये हुआ 79.5 प्लस इंक्लूसिव, थर्टीन ठीक पॉइंट है। वन अब फिर थर्टी इसके बाद मेरे टू को तो लगता है अभी तक पॉइंट सिर्फ वो फाइव मिड वैल्यू वाले में ही कुछ नया सिखाया हूँ, माइनस बाकी सब वन तो जीरो सेम जैसे फाइव पहले चल रहा है, डिवाइडेड तो बाय वैसे ही चल रहा सिक्सटीन है टू ना। टेन मार्क्स बिलो हाँ 10, 10 से 20, 20 हाँ से 30, 30 से 40, 40 84.08 एंड जीरो अबव, एट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 3, 13, 18, 11, 5, ठीक है। तो अब एक बात बता रहा हूँ, इस सीरीज में कुछ मत करो, नॉर्मल सॉल्व कर दो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो, नॉर्मल सॉल्व कर दो, नॉर्मल कुछ भी मत करो। क्योंकि एक बात बताओ, ये जो बिलो 10 और 40 एंड अबव है, कभी जिंदगी में नहीं फंसेगा, है ना। वो जो मीडियम क्लास है उसमें ना बिलो 10 फंसने वाला है, पहला और आखिरी, तो कभी जिंदगी में नहीं फंसेगा, फंसेगा तो बीच में से कोई सा फंसेगा, है ना। तो इसीलिए वो जब कभी फंसेगा ही नहीं, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं, उसको जैसा है वैसे ही रहने दो, इग्नोर मार दो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल के सॉल्व करो, मीडियम क्लास कुछ और आएगा, ठीक है समझे। बोलो, यस करो।
25 इज द आंसर. ठीक, अब आते हैं इक्वल क्लास इंटरवल में. ये सब स्पेशल केसेस है, तुम लोग को जो स्पेशल सीखने को मिल रहा हो कर लेना, जो स्पेशल नहीं मिल रहा हो अरे ये तो ये सिंपल है, वैसे सिंपल ही है. अब देखो क्या तुमको दिख रहा है क्लास इंटरवल्स अनइक्वल है, कोई 10 है, कोई 20 है, कोई 30 है. हाँ बोलो. हाँ अब इसको कैसे करोगे सॉल्व, इसको भी नॉर्मली सॉल्व कर दो, इग्नोर मारो कि क्लास इंटरवल जो है वो अनइक्वल है, नॉर्मली सॉल्व कर दो. बस एक चीज का ध्यान रखना, जो आई लोगे ना आई, तो उसमें जो मीडियन क्लास फंसेगा उसमें डिफरेंस चेक कर लेना, डिफरेंस 10 की है कि 20 की है कि 30 की है, समझ में आया. आई लेते टाइम बस एल वन प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ अपॉन एफ, सब नॉर्मल लोगे, इन टू जब आई लोगे तो देख लेना कितने का डिफरेंस है उस क्लास इंटरवल में. क्लियर हुआ? बोलो. हाँ तो करोगे सॉल्व या मैं कराऊं? हो जाएगा. हाँ करो फिर. 39.99 यस 40 आ रहा है, 39.99 मतलब 40 आ रहा है. बाप रे सो फास्ट, क्या पी क्या आ गई. हो जाएगा. क्या पिलाई मोना मम्मी? 39.99 आ रहा अचानक से, एकदम हार्ड कॉफी पी ली के एकदम काली काली. आधा तो नेटवर्क प्रॉब्लम, दिमाग खराब. हाँ भैया चलो अब देखो, अब मिसिंग फ्रीक्वेंसी करना है हमको. इसी में मीडियन की मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, ठीक है. इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैं भेजूंगा अभी तक जो कि वो प्रैक्टिस करने से लगे हैं टाइम पास टाइप का, ठीक है. वोल्टाइल वोल्टाइल हम लोग कल पढ़ेंगे, मिसिंग फ्रीक्वेंसी बस देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम लोग क्लास ओवर करेंगे. मिसिंग फ्रीक्वेंसी तो देखो सैलरी दी हुई है 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80. नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 120 क्वेश्चन मार्क, 200 क्वेश्चन मार्क, 185. तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे. बताओ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी. इसको x ले लेते हैं, इसको y ले लेते हैं, ठीक है. तो 120, 120 प्लस x, 320 प्लस x, 320 प्लस x प्लस y, 320 प्लस 185 कितना होता है 505 प्लस x प्लस y. बोलो इतना समझ में आया. फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या होगा? फाइव जीरो फाइव प्लस एक्स प्लस फाइव. अरे नहीं नहीं वो नहीं बोल रहा. हाँ चलो अब देखो मीडियन, मीडियन मेरे को क्वेश्चन में दे दिया है 59.25. तो मेरे को बताओ मीडियन निकालने का तरीका, मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है. 59.25 दे दिया है. 59.25 दे दिया है. और क्या बोला क्वेश्चन, चोज मंथली सैलरी ऑफ 900 एम्प्लॉई. मंथली सैलरी ऑफ 900 एम्प्लॉई मतलब मेरे को टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉई कितने हैं, 900 है, है ना. इनटू आई बोलो माइनस सीएफ अपॉन एफ. तो नंबर ऑफ एम्प्लॉई यानी फ्रीक्वेंसी का टोटल मेरे पास 900 है. फ्रीक्वेंसी का तो इतनी इंफॉर्मेशन, अब देखो क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है, तो अब ये मैं क्वेश्चन की भूमिका बना दिया हूँ.
इतनी इंफॉर्मेशन मेरे को दी है। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, मीडियन क्लास कैसे निकलता है, एन बाय टू आइटम, एन कितना है 900 अपॉन टू कितना आ गया, बोलो कितना आ गया, 450 आइटम, बताओ इतनी बात क्लियर हुई। अब देखो क्लास इंटरवल कौन सा है, तो मेरे को बताओ मीडियन कितना है, मीडियन 59.25 है, फाइनल मीडियन है ना, तो फाइनल मीडियन एक्स से निकलता है, तो बताओ 59.25 किसके बीच में फंस रहा है, कौन सी क्लास इंटरवल के बीच में फंस रहा है। हाँ तो ये रही मीडियन क्लास, तो इसको एज अ मीडियन क्लास ले लो ये। तो चलो अब एक एक करके इतने डेटा हम यूज करके सब कुछ आ गया फॉर्मूले में डालने लग डालते हैं। 59.25 इज इक्वल टू L150 प्लस N बाय 2 450 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना लेंगे 100, हाँ और वो भी ब्रैकेट में लिखना क्योंकि फिर वो माइनस होगा बाद में, अपॉन फ्रीक्वेंसी कितना लेंगे 200 इंटू आई कितना है 10। अब इसको करो सॉल्व और एक्स निकालेंगे, तो ये हो जाएगा इधर आके माइनस, ये हो जाएगा 9.25 इज इक्वल टू 450 माइनस 120 माइनस एक्स 120 और ये 0 0 कैंसिल अपॉन 20 को इधर बेच के इंटू करेंगे, बताओ 9.25 इंटू 20 कितना होता है, करो कितना आया 145, तो ये आ गई मेरे पास 145 एक्स की वैल्यू, एक्स की वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पर 145 आ गई। तो एक बात बताओ 185 ये जो आता है ये इसका टोटल आता है ना, है ना, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो लास्ट आइटम रहता है वो फ्रीक्वेंसी का टोटल रहता है ना 145 प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 900 है, एक्स की वैल्यू आ गई है 145 प्लस वाई इज इक्वल टू 900, तो वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 900 माइनस 505 माइनस 145 कितना आ रहा है 250, बस 250 वाई की वैल्यू हो गई, समझ में आई बात, बोलो। हाँ तो ऐसे निकालना है, काम थोड़ा लंबा था लेकिन क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास सफिशियंट रहेगी कुछ भी निकालने के लिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तुम लोग करो फिर छुट्टी, मिसिंग फिगर की एक क्वेश्चन करो, बस एक क्वेश्चन मेरे सामने कर दो ताकि मेरे को सेटिस्फेक्शन मिल जाए। 250 इजी दे रहा हूँ, 10-20 वाला दे रहा हूँ, देखो हाँ भैया हाँ कल छुट्टी पक्का, कल संडे बेटा टेस्ट तो होके रहेगा, होमवर्क भैया देखो मेरी दुकान के सामने लिखा है आके पढ़ लो, विश्वास नहीं है तो डू नॉट बार्गेन, डिस्काउंट मार इसके बदले कल छुट्टी ऐसा लिखा है, एक्स ले लेता हूँ इसको, तो वाई नहीं कोई टेस्ट भी नहीं लोगे, अरे कम कैसे हो गया 10-20-20-20 नहीं ना 20-60x 130 वाई, अच्छा ये हाँ ठीक है, हाँ लो करो इसको सॉल्व, टोटल दिया है टोटल दिया है 36, टोटल 468 दिया है और मीडियन दिया है 47, तो बेटा चैंपियन लेवल के हो यार, दो मिनट काम है तुम्हारे, करो सॉल्व फटाफट। देखो सबसे पहले निकालता हूँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 24 बोलते जाओ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 130 प्लस 84 66 आ रहा है मेरा एक्स, आप ही बता दो
नहीं 84 बाप रे, तीनों का गलत है इस बार, रिकॉर्ड ब्रेकिंग। चलो तो 204 मीडियन क्लास क्या है? मीडियन क्लास है, पहली बात तो मीडियन 47 है, तो कौन से ग्रुप में फंसेगा? ये वाले ग्रुप हाँ में टू वन फंसेगा, फोर ही आया मेरा भी, 214 प्लस एक्स प्लस 40 वाई से फिर 50 के बीच 264 में है प्लस मीडियन, तो एक्स ये वाले प्लस ग्रुप में वाई फंसेगा। फिर और मीडियन क्लास निकलने का फोर भैया सिक्सटी एक्स एट 59 है क्या? ओहो सॉरी 458 है ये। हाँ मेरी गलती है, 458। तो 458 अपॉन टू कितना होगा? 458 डिवाइड बाय टू। हाँ अब तो तुम लोग बन ही जाएगा, 229 होगा। अब बना लो, सॉरी माई फॉल्ट, 458 था, 68 लिख दिया। आखिरी क्वेश्चन हमेशा वैसे भी रुला के हाँ ही जाता है। अब निकालो जल्दी जल्दी। सही आया, एक्स की वैल्यू आई 54, वाई की वैल्यू वैल्यू 104। यस राइट। तो फ्रॉम नाउ हम लोग का एंड ओवर हुआ मीडियन का जो पोर्शन था। अब मीडियन से भैया ही वन मिलते जीरो फोर जुलते, वन मीडियन से जीरो मिलते जुलते फोर क्या, मीडियन के ही भाई एक चीज फॉर्मूले में छोटी छोटी चेंजेस कराऊंगा, क्वार्टाइल परसेंटाइल डिसाइल, ये तीन चीज हमको पढ़नी है। प्लस हम थोड़ा सा क्या बोलते हैं, अगर तुम्हारे सिलेबस में तो नहीं है खैर तो छोड़ो, ग्राफ नहीं कराऊंगा, नहीं तो मीडियन ग्राफ से भी निकाला जाता है। ठीक है, तो हम लोग उसके बाद क्वार्टाइल परसेंटाइल डिसाइल हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है।